स्वामी राम तीर्थ मिशन के सप्ताह सम्मेलन का समापन हो गया है। इस सम्मेलन में देश विदेश से आए हुए लोगों ने विद्वानों और महात्माओं के विचारों को सुना तथा उन विचारों को जीवन में धारण करने का संकल्प लिया। देहरादून स्वामी राम तीर्थ मिशन आश्रम के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के बाद धीरे धीरे लोगों का रुझान आश्रम के प्रति बढ़ने लगा है। लोग यहाँ आते हैं और ज्ञानवर्धन बातों को सुनकर अपने जीवन में धारण करते हैं। सम्मेलन के समय भी सुबह से ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था। वहीं प्रबंधक राजेश पेन्यूली ने स्वामी रामतीर्थ मिशन की उपलब्धियां गिनाई और भविष्य में लोगों को आश्रम से जुड़ने का आह्वान किया। मिशन के अध्यक्ष ललित कुमार में ये सम्मेलन चल रहा है, इसमें देश विदेश से स्वामी रामतीर्थ मिशन के अनुयायी भाग ले रहे हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पर मिशन में जो एक विचार व्यवहारिक वेदांत, उस व्यवहारिक वेदांत का प्रचार प्रसार ये हम सब लोगों के बीच में हो रहा है, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है और आज ये समापन की ओर जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में।